गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इन योर इंग्लिश रीडर क्लास वी रीड चैप्टर नंबर 5 द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट मीन्स लाल किला। द रेड फोर्ट इज मेड ऑफ रेड स्टोन। रेड फोर्ट मीन्स लाल किला, रेड स्टोन मीन्स लाल पत्थर, मेड मीन्स बना, लाल किला लाल पत्थर से बना है। कैसे पत्थर से बना है लाल किला? लाल पत्थर से। इट इज़ सिचुएटेड इन दिल्ली। सिचुएटेड मीन्स होता है बेटा स्थित, दिल्ली मीन्स दिल्ली, यह दिल्ली में स्थित है। लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में। इट वॉज बिल्ट बाय एम्पीरियर शाहजहाँ। एम्पीरियर मीन्स बादशाह, ये बादशाह शाहजहाँ जो थे उन्होंने बनवाया था, यह बादशाह शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था। ही वॉज वेरी फोंड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग फाइन बिल्डिंग्स। फोंड मीन्स फोंड ऑफ मीन्स होता बेटा शौकीन। वो जो है बहुत फाइन बिल्डिंग्स, अच्छी अच्छी बिल्डिंग, कंस्ट्रक्टिंग मीन्स बनवाना, उन्हें अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनवाने का बहुत शौक था। किन्हें? जो बादशाह शाहजहाँ थे, शाहजहाँ जो थे उन्हें अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनवाने का बहुत शौक था। देयर इज ए डिच ऑल अराउंड इट। डिच होता है गड्ढा, इसके चारों तरफ एक गड्ढा था। इट वॉज फिल्ड विद वाटर, जिसको पानी से भरा गया था। किस के चारों तरफ था? लाल किले के चारों तरफ बहुत गहरी खाई थी और उसको कैसे भरा गया था? पानी से भरा गया था। दैट्स वाई इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द एनिमीज टू रिच द फोर्ट गेट। दैट्स वाई मीन्स इसीलिए, वेरी डिफ़िकल्ट बहुत मुश्किल, एनिमीज मीन्स दुश्मन, रिच मीन्स पहुंचना, इसीलिए दुश्मनों के लिए जो फोर्ट था, किला था जो था, उसके गेट तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। द एंट्री फॉर द विजिटर्स इज बाय टिकट्स। विजिटर्स मीन्स देखने वाले, जो देखने वाले होते हैं उनके लिए जो एंट्री होती है वो टिकट के द्वारा मिलती है। अगर आपके पास टिकट नहीं होगी तो आपको रेड फोर्ट में एंटर नहीं करने दिया जाएगा। टू दिस फ्रंट इज ए वेरी नाइस गेट। इसका फ्रंट जो गेट है यानी मुख्य द्वार जो है वो बहुत ही सुंदर है। यू कैन हैव एवरीथिंग देयर, आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। देयर इज ए किंग्स पैलेस विच इज वेरी ब्यूटीफुल। यह एक राजा का क्या था? पैलेस था, महल था, जो बहुत ही सुंदर था। देयर आर टू कोर्ट रूम्स, दीवान ए आम वेयर जनरल मीटिंग्स वर हेल्ड एंड दीवान ए खास वेयर द एम्पीरियर एंड हिज मिनिस्टर्स यूज्ड टू होल्ड मीटिंग्स। ये जो महल है राजा का, बहुत सुंदर महल है। इसमें टू कोर्ट रूम्स हैं। कितने कोर्ट रूम्स हैं? टू कोर्ट रूम्स, जिनके नाम है दीवाने आम एंड दीवाने खास। तो दीवाने आम में क्या करते थे? जनरल मीटिंग्स यानी जो सामान्य मीटिंग्स होती थी उनको रखा जाता था, और दीवाने खास में सिर्फ एम्पीरियर यानी कि बादशाह या फिर सम्राट और उसके मिनिस्टर, हिज मिनिस्टर मीन्स मंत्री, सिर्फ सम्राट और उनके मंत्री जो यानी कि जो स्पेशल मीटिंग होती वो वहाँ पर कहाँ रखी जाती थी? दीवाने खास में रखी जाती थी, और दीवाने एम में, सॉरी दीवाने आम में जनरल मीटिंग यानी सामान्य जो मीटिंग होती थी वो वहाँ पर रखी जाती थी, और स्पेशल मीटिंग जो होती थी वो दीवाने खास में रखी जाती थी। देयर इज ए ब्यूटीफुल मोस्क्यू इनसाइड द फोर्ट। मोस्क्यू होता बेटा मस्जिद। वहाँ फोर्ट में यानी किले के अंदर एक बहुत सुंदर मस्जिद भी है। देयर इज ए म्यूजियम इन विच आर्टिकल्स ऑफ शाहजहाँ पीरियड आर कैप्ट।
इसमें एक म्यूज़ियम, म्यूज़ियम होता है संग्रहालय, एक संग्रहालय है जिस जहाँ पर साझा के पीरियड के, साझा के काल के आर्टिकल्स यानी कि पत्र जो लेखा जोखा जो है वहाँ पर रखा हुआ है। द रेड फोर्ट हैज़ ए ग्रेट हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। रेड फोर्ट की, लाल किले की एक महान ऐतिहासिक महत्व है, रेड फोर्ट का एक महान ऐतिहासिक महत्व है। इट हैड बीन एन इम्पोर्टेंट फोर्ट ऑफ द मुगल्स। यह मुगल्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण किला था। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इट वॉज यूज्ड एज ए मिलिट्री कैंप। मिलिट्री कैंप यानी कि सैन्य शिविर। ब्रिटिश रूल के दौरान यानी ब्रिटिश शासनकाल के दौरान इसको किस लिए यूज़ किया जाता था? सैन्य शिविर के रूप में इसको प्रयोग किया जाता था। व्हेन इंडिया बिकेम फ्री द ट्रिकलर वॉज अनफर्ल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन इट्स टॉप एंड सिंस देन एवरी ईयर ऑन द 15th ऑफ अगस्त इंडिपेंडेंस डे। जब इंडिया फ्री हुआ था, जब इंडिया को स्वतंत्रता मिली थी, तो ट्रिकलर यानी कि तिरंगा झंडा जो है हमारा, अनफर्ल्ड मीन्स होता है फहराना, प्राइम मिनिस्टर के होता है हमारा प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर द्वारा इस पर क्या फहराया गया था, लाल किले पर तिरंगा झंडा हमारा फहराया गया था। और तभी से हर साल 15 अगस्त को क्या किया जाता है, लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। इट इज़ बीइंग अनफर्ल्ड बाय द सब्सिक्वेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और अब भी यह जो आगामी वाले आने यानी आगे आने वाले या आगे बनने वाले प्रधानमंत्री जो होते हैं वो यहाँ पर तिरंगा झंडा फहराते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5, द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट मीन्स लाल किले के बारे में जो सारा चैप्टर था हमारा, इसको आपको अच्छे से रीड करना है। और वर्ड मीनिंग है इसके, ये जो वर्ड मीनिंग्स हैं इनको आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लर्न करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।